डिशेस खाना प्रेफर करते हैं, राइट? क्यों ना यहाँ पे मैंने एक साउथ इंडियन डिश बनाई है लोगों के लिए आज, जो यहाँ पे लोग टेस्ट करेंगे. डेट्स कॉल्ड वांगी भात. वांगी भात यानी कि कर्नाटका की एक बहुत फेमस डिश है, जिसमें बैंगन यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मसाले यूज होते हैं, और कोकोनट और इमली का पल्प यूज किया जाता है. सो आई थिंक कोई डिश ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आप डिस्कवर करो, क्रिएट करो और इन्जॉय करो उस डिश को. सो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप पहले चीज़ को ढूंढो, उसके अंदर फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करो और फिर उसको खाने का आनंद लो. सो दैट्स थ्री थिंग्स दैट यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ. सो यही चीज़ हमने आज यहाँ पे लोगों को शो की है, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट रिस्पांस. पीपल लव दैट रेसिपी. और इसके अलावा हमने यहाँ पे बिरयानी बनाई थी, वैसे बिरयानी और अपना राइस कैनेपीज बनाई थी हमने यहाँ पर उनके लिए. सो इट वॉज अ गुड कुकिंग शो, यू कैन से दैट. देखो, जो चावल खाने के शौकीन लोग होते हैं ना, उनको हर एक तरह का चावल खाना पसंद है. लाइक अमीरा के पास तीन तरह के चावल है. एक है ब्राउन राइस, विच जो ज़्यादातर लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो लोग खाना पसंद करते हैं. एंड अपार्ट ऑफ दैट वी हैव अ लॉन्ग ग्रेन राइस, जिसमें बिरयानी में, अगर मैं बात करूँ बिरयानी की, बिरयानी का नाम जब भी आता है ज़ुबान पर तो सबसे पहले आता है कि बिरयानी खिली हुई होनी चाहिए. खिली हुई यानी कि एक एक टेक्निकल टर्म है, शेफ टर्म है, कि बिरयानी खिली हुई यानी कि एक एक तिनका दिखना चाहिए चावल का. सो वो एक बेस्ट क्वालिटी है. एंड ट्रेडिशनल राइस विच यू कैन यूज़ इन योर डेजर्ट्स, आप अपने मीठे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो भात बनाते हैं भात में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई रोटी अगर कन्वर्ट करना चाहे तो उस रोटी में बना सकते हैं. राइस में अगर मुझे कोई चीज़ खाना पसंद है, सो आई प्रेफर खीर. मेरे को खीर खाना पसंद है. देखो, राइस की कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने आप को बांध नहीं सकते. इट शुड बी ओपन, इट शुड बी डिस्कवर लाइक एनीथिंग, कि आप कुछ भी अपने आप से डिस्कवर कर सकते हो अगर आपको टेस्ट पता है और टेक्निक्स पता है. इट्स ऑल अबाउट टेक्निक एंड टेस्ट. अगर आपको कोई चीज़ का टेस्ट और फ्लेवर की अंडरस्टैंडिंग रहे तो आप उस चीज़ को समझ कर अपने डिश में इन्वॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चाहे आप उससे सुशीस बनाओ, जापनीज डिश है, चाहे उससे आप बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, रिजोटो बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन दैट हाउ यू अंडरस्टैंड द डिश एंड हाउ यू अंडरस्टैंड द फ्लेवर्स.